बैक अगेन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं Vivo Y100 फोन में कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट को गाइस बंद कैसे करें। गाइस आपके पास जब कोई भी कॉल आती है या फिर अपने साइड से किसी को भी कॉल करते हैं, अगर आपको उस कॉल को रिकॉर्ड करना होता है यानी कि रिकॉर्डिंग करना होता है, तो जब आप रिकॉर्डिंग करने के लिए उस पर क्लिक करते हो वहां पर आपको मिलता है यू हैव बीन कॉल रिकॉर्डेड। इससे क्या है, आपको भी पता चलता है और आपके सामने जो कॉलिंग पर रहता है उसको भी गाइस पता चल जाता है कि हमारी कॉल गाइस कोई रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तो जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा, अगर आप अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट को बंद करना चाहते हैं, बंद कैसे करेंगे ये मैं आपको सेटिंग करके बिल्कुल गाइस बता रहा हूं। ठीक है, यहां देखिए आपको हमारा फोन मिलेगा, आपको पहले करना है प्ले स्टोर गाइस ओपन कर लेना। ठीक है, प्ले स्टोर ओपन करके आपको TTSLEXX ठीक है ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। हमने इसको ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, ओनली एक सेटिंग सिर्फ आपको करना है, ज्यादा कुछ सेटिंग नहीं करना। ठीक है, आपको फर्स्ट वाले पे गाइस क्लिक कर लेना, आपको मिलेगा स्पीच सर्विस बाय गूगल। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले सेटिंग पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई कॉल आएगी, फिर अपने साइड से किसी को भी कॉल करेंगे, कॉल रिसीव होगा, तो जब आप कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे वहां पे अनाउंसमेंट गाइस होगा। ठीक है, अगर आपको चाहते हैं अनाउंसमेंट को बंद करना, आपको TTSLEXX इस पर गाइस क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना। अब अगर आप कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, उसका जो अनाउंसमेंट है गाइस बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब आसानी से किसी भी कॉल को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट को बंद करना चाहते हैं, बिल्कुल गाइस ऐसे सेटिंग करके कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट को बंद कर सकते हैं। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।